अब बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? सर हम मतलब यहाँ पे मतलब वंदना गुप्ता के पास रहते थे। कहाँ? वंदना गुप्ता क्या करती है? वंदना गुप्ता लड़कियों से गलत काम करवाती है, लड़कियों से सेक्स करवाती है, जो हमारे साथ हो चुका है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमारे साथ सर हमारे साथ गलत हो चुका है, हमारे साथ सेक्स करवाती है, सारी लड़कियों के साथ करवाती है, रात में लड़कों को बुलवाती है और जबरदस्ती गलत काम करवाती है। कौन है वंदना गुप्ता? कौन है? कहाँ पे? क्या करती है? गया घाट में मतलब बालगिरी में, वो वहाँ के लीडर वो है, मतलब चेयरमैन है। कब से तुम वहाँ थी? 7 महीने से थी। कहाँ से आई थी तू? हम मतलब आराम से बोलो, कोई हर्ज नहीं। दिल्ली से आई थी, कंजावला आश्रम में ही रहती थी मैं। मेरी मतलब मेरी शादी हो चुकी है, मेरे मतलब मेरा पति छोड़ दिया है, मेरा 3 साल का बच्चा है जो छीन लिया गया है मुझसे। उस दौरान मैं आश्रम में वहाँ पे वंदना गुप्ता के पास में आई थी, भूली भटकी में, रिमांड होम। हाँ, रिमांड होम में। वहाँ पे मेरे को मतलब रात में पता चला कि लड़कियों को चुपचाप लड़कों को बुलाते हैं और गलत काम करवाती हैं, और उसमें नशा का मतलब खाने में नशा का दवाई देती हैं। ये पता चला था कि तुम्हारे साथ हुआ? हुआ है, क्योंकि हमको पहली बार खिलाया गया था तो हम बेहोश हो गए थे, और हमारा नीचे जब सुबह उठे तो हमारा पूरा पेन हो रहा था, और सारी लड़कियां बोली कि मतलब लड़के यहाँ पे आते हैं और तुम्हारे साथ भी ऐसा हो चुका है। तो हमने बोला कि क्यों तुम लोग क्यों नहीं बोलती हो बाहर, क्यों नहीं शिकायत करती हो? तो वंदना बोलती है कि वंदना अगर हम लोग बोलेंगे तो वंदना गुप्ता हम लोग को जान से मार देगी, और वो मारने की धमकी देती है। इस डर से कोई भी लड़की नहीं बोलना चाहती है, हम भी नहीं बोल पाते, ये मैडम नहीं रहती ये लोग तो हम मर जाते, हम भी नहीं बोलते। बड़ी हिम्मत करके हम बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो लड़कियाँ फंसी हुई हैं भोली भटकी, उनको बचाया जाए। कितनी लड़कियाँ हैं वहाँ? कितनी लड़कियाँ वहाँ पे? मतलब भूली भटकी 200 है, और पागल मतलब 100 है, और बाकी सब लव मैरिज में है। तो उन लोग के साथ में तो कुछ नहीं होता है। अगर कोर्ट भूली भटकी को बोलता है कि मतलब यहाँ पे काम पे लगवाने के लिए जाए, कि काम के बहाने भेज देती है कहीं और, अब उन लोग का आज तक पता नहीं चलता है कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं है, किसी का कोई पता नहीं चला। वहाँ से निकली कैसे? मतलब एक लड़की ना गुप्ता ने हमसे भी पैसा लिया है निकलवाने के लिए, क्योंकि हम तो जब हम बदसूरती हो गए, हमारी जो भी हालत है आज वंदना गुप्ता की वजह से, आज मैं जो बीमार जैसी हालत है मेरी, वो सिर्फ वंदना गुप्ता की वजह से है। और मैं चाहती हूँ तो उसको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलना चाहिए, और वहाँ से वो हटना भी चाहिए, नहीं तो वो पूरी लड़कियों की जिंदगी खराब कर करेगी, और मेरी जिंदगी तो और से भी खराब हो चुकी है। आज कहाँ आई हुई है? हाँ, अच्छा, वहाँ से फिर निकली कैसे? कोर्ट से पास मेरा मतलब मेरा पति है तो उसको पैसा दे के, जो मुझे छोड़ दिया गया था वो भी बुला के, और मुझे पैसा मिलवा के, मतलब वहाँ पे लड़कियाँ मोबाइल भी चलाती हैं, वहाँ पे मोबाइल भी चलता है, और वो भी वंदना गुप्ता को पता है कि मोबाइल भी चलता है सब कुछ वहाँ पे, पैसे भी लेती है लड़कियों से। अगर उम्र भी ज़्यादा कम करवानी है, ज़्यादा करवानी है तो उसके हिसाब से वो पैसा भी लेती है। और क्या क्या होता है वहाँ पर? और वहाँ पे मतलब खाने में अगर आप गलत काम नहीं करेंगे तो आपको बांध के पेड़ में मारा जाता है। कहाँ पर? वहाँ पे एगो मतलब पेड़ मिलेगा, रिमांड होम में पेड़ मिलेगा, वहाँ पे मुंशी तक सबके जो चौकीदार है वहाँ का, वो मुंशी है, वो उसके साथ है, उसका दहना हाथ। वंदना से कभी मिली हो अकेले में आप? अकेले में हम नहीं मिले, क्योंकि नहीं क्यों, हाँ मेरा हुआ है, जैसे प्रार्थना के समय में सुबह में उठती थी तो बेशरम जैसा गाली सुबह सुबह सुनने को मिलता था, निर्जल से कहती थी कि आई हो तुम लोग पुलिस की मर्जी से, जाओगी वंदना गुप्ता की मर्जी से। मास्क ऊपर करो, अगर आप गलत काम नहीं करेंगे तो आपको बांध के पेड़ में मारा जाता है। कहाँ पर?
वहाँ पे एगो मतलब पेड़ मिलेगा, रिमांड होम में पेड़ मिलेगा, वहाँ पे मुंशी तक सबके जो चौकीदार है वहाँ का वो मुंशी है, वो उसके साथ है, उसका दहिना हाथ। अकेले में हम नहीं मिले क्योंकि नहीं क्यों, हाँ मेरा हुआ है जैसे प्रार्थना के समय में सुबह में उठती थी तो बेशरम जैसा गाली सुबह सुबह सुनने को मिलता था, निर्जल से कहती थी कि आई हो तुम लोग पुलिस की मर्जी से, जाओगी वंदना गुप्ता की मर्जी से। मास्क ऊपर करो। हसीना एक लड़की का, हाँ और एक हसीना लड़की जो मतलब निकलने वाली थी वहाँ से कोर्ट की तरफ से, बहुत खुश थी वो कि हम निकल जाएंगे अपना जीवन जिएंगे। सब लड़की चाहती है कि हम अपना जीवन जिए, हम भी चाहते थे लेकिन हमारा जीवन ही बर्बाद हो गया। वो लड़की ने फांसी लगा के उसको मार दिया गया और उसका अभी तक नहीं पता चला कि वो कैसे हुए, बस बोला गया कि फांसी लगा के वो खुद मर गई है। जो लड़की अपना जीवन जीना चाहती है तो उसको जीने का मौका ही नहीं मिल रहा है, उसके साथ गलत किया जा रहा है। जो मरियम परवीन थी वो अभी बांग्लादेश में, उसको मतलब गलत उसके साथ भी करके उसको तब बांग्लादेश में भेजा गया है। अब तुम क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि वंदना गुप्ता को वहाँ से हटाया जाए और सारी लड़कियों को जो वहाँ पे हैं उनको मुसीबत से बचाया जाए कि वो लड़की अपनी जिंदगी जी सके। बस सिर्फ हटाना ही चाहती है? हाँ, वहाँ से उसको कड़ी सजा भी, उस जैसी औरत को ना कड़ी सजा भी मिलना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? गुड़िया, गुड़िया कुमारी नाम है।